नीचे भैया नीचे देखिए दो बातें हैं। पचनंदा हमारी लोकसभा में है और पचनंदा जनता की मांग है और क्षेत्र की आवश्यकता है। पचनंदा पर परियोजना यदि पूरी होगी तो वहाँ से जो प्लान है हमारा वहाँ से छोटी नहरें निकाल करके सिंचाई में उसका उपयोग किया जाए। हम दो बार लखनऊ गए हैं, लखनऊ के जितनी भी चार पांच जो संबंधित प्रमुख सचिव हैं उनके साथ मीटिंग की है और मैंने तय किया है कि हम 3 महीना में इस काम को और गति देंगे। IIT रुड़की को इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, अभी वो टीम आई नहीं है लेकिन उसके साथ जो एक समझौता होता है वो समझौता पूरा हो गया है। हमने लोकसभा में मुद्दा उठाया है और उसे हम इसी साल इस प्रोजेक्ट को चालू करेंगे। दूसरा हमारे लिए लॉन्च सफारी का इशू है, लॉन्च सफारी को भी इसी साल 2019 में हर हालत में से पूरा शुरुआत करेंगे। आप देखने में आया कि बहुत जल भरा रहा पूरे शहर डूबा रहा, वही अंडरेल बंडर बीच में बच्चा भी डूब के मरा, सरकार लाखों रुपए खर्च करती है वहाँ बच्चों की जान जा रही है। ये चिंता की बात है। हम लोग 10 दिन पहले इसी संदर्भ में हम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और हमने सबको ये कहा था कि बरसात आने से पहले हमारा पानी का जो भराव है वो उसकी सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये घटना घटी है तो दुखद है। हम इसे गंभीरता से लेंगे और दोबारा पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम अधिकारियों से बात करेंगे। आगरा से खबर चल रही है कि आपके सुरक्षाकर्मी ने करवाया है, सुरक्षाकर्मी नहीं की, उन लोगों ने डंडा लेकर के ये नहीं समझा कि मेरी गाड़ी है, वो मेरी गाड़ी के पीछे जैसी गाड़ी दूसरी निकली तो उन्होंने समझा कोई दूसरी गाड़ी निकली है, जबकि मेरे सुरक्षाकर्मी उस गाड़ी में थे और इसके कारण उन्होंने डंडा लेकर के टोल से 50 मीटर आगे लखनऊ रोड पर गाड़ी को रोक लिया और जैसे ही सुरक्षाकर्मी निकला तो मार पिटाई शुरू कर दी, उसमें बचाव में उसने एक हवाई खा दी।